हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग कवर करने वाले बोर्ड एग्जांपल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलाओ स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जांपल के साथ में। बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एंड्रॉयड ऐप, जिसके अंदर आपको मिलेगा फ्री ऑनलाइन टेस्ट, साथ में मिलेंगे स्टडी मटेरियल्स और क्वालिटी नोट्स और बहुत कुछ। तो चलाओ स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा, यहाँ पे बोला है प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर थीटा। और ये पूछा है CBSE 2001 बोर्ड एग्जाम में। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एडिशन है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन है। तो जो एडिशन वाला साइड है उसको हम लोग पहले लेने वाले, क्योंकि आप लोग उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे cosec मतलब होता है 1/sin, तो ये होना चाहिए हमारा 1/sin स्क्वायर थीटा, राइट। और ये होना चाहिए हमारा 1/cos मतलब होता है हमारा sec, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय, नीचे में आएगा हमारा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और हमें यहाँ पे पता है जैसे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, नीचे में कोई चेंज नहीं। तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1/sin होता है हमारा cosec, बट यहाँ पे 1/sin स्क्वायर है, तो ये बना चाहिए हमारा cosec स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू 1/cos होता है हमारा sec, तो ये बनेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड RHS है। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। तो क्यों ना हम लोग हमारा यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल चेक करें। तो एग्जाम्पल कुछ है, स्क्वायर रूट में बोला है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan प्लस cot थीटा। तो इसको हम लोग लेने वाले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, तो आप लोग राइट साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा होता है हमारे यहाँ पे 1 tan स्क्वायर थीटा, तो ये होगा हमारा 1 tan स्क्वायर थीटा। और cosec जो होता है हमारा, ये होता है हमारा 1 cot स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारा 1 cot स्क्वायर थीटा। और ये सभी का सभी हमारा स्क्वायर रूट में है, राइट, इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि 1 + 1 हमारे यहाँ पे बनेगा 2, ओके, तो ये बनेगा हमारा 2 यहाँ पे, सो दिस विल बी 2 नाउ, ओके। तो या फिर आप लोग दूसरे तरीके से, मतलब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे। सो अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व करें कैसे। देखो ये बहुत ईजी टास्क है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा को हम लोग पहले लिखने वाले हैं, tan स्क्वायर थीटा 1 + 1 बनेगा 2, तो ये 2 यहाँ पे प्लस रिमेनिंग हमारा cot स्क्वायर थीटा है। और जैसे कि हमें पता है कि tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो उसको कैसे एडजस्ट करें। तो tan स्क्वायर थीटा एज इट इज ये बनेगा 2 टाइम्स tan इंटू cot, तो ये बनेगा tan थीटा इंटू cot थीटा। और साथ में ये बनेगा हमारा cot स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारे यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि tan जो है हमारा ये a वैल्यू है और cot जो हमारे यहाँ पे b वैल्यू है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बनने वाला हमारा b स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये हमारे यहाँ पे है tan प्लस cot होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। और ये सब कुछ हमारा स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पे होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारा रिमेनिंग आंसर है tan थीटा प्लस cot थीटा, और जो कि हमारा RHS है। तो चलाओ देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, राइट। तो एग्जांपल कुछ ये रहा, तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू, ये तीन चीज़ हमें प्रूव करवानी है। और ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, ये काफ़ी सिंपल सवाल है, सिर्फ दिखने में लेंदी है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग देख पाओगे, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, मतलब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये वाला और ये वाला, ये हमारे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा। तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो आप लोग देख पाओगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यू नो, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ओके, और नीचे में आएगा हमारा डिवीजन में दोनों का प्रोडक्ट। तो चलो डिवीजन में दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, दैट इज व्हाट साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनना चाहिए हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो चलो आगे सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि ऊपर में क्या बचना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो ये यहां पे ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुका है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि a प्लस बी, अगर मैं यहां पे साइन a को a कहूंगा और कॉस a को b, तो ये बनेगा a और b, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, यू नो। और यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का एडिशन अगर करेंगे आप लोग तो हमें पता है कि आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर। तो यहां पे आना चाहिए हमारा, देखो मैं यहां पे लिखता हूं 2 टाइम a स्क्वायर, तो a कौन है हमारा sin, तो ये होना चाहिए हमारा 2 टाइम sin स्क्वायर और ये आएगा 2 टाइम cos स्क्वायर a। तो लिख देता हूं मैं यहां पे 2 टाइम sin स्क्वायर a प्लस 2 टाइम cos स्क्वायर a, ओके, डिवाइड बाय नीचे वाला चीज एज इट इज, दैट इज व्हाट sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ओके, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। तो क्या हम लोग यहां पे a कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो चलो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहां पे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो ये यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कोई चेंज नहीं, तो ये होना चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप लोग देख पाओगे कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमारा आइडेंटिटी है और उसका आंसर 1 आता है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1 अपॉन, ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, यस, ये देखो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, ये 2 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 एज इट इज। तो ये पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, इसको कैसे करें, तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है गाइस उसको हम लोग लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को हम लोग लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख, सो कॉस स्क्वायर ए बनेगा हमारा ये वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज और कॉस स्क्वायर ए बनेगा ये माइनस साइन एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस माइनस बनेगा हमारा प्लस साइन स्क्वायर ए। और आप लोग देख पाओगे कि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बनेगा हमारा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए और ये माइनस 1 और ये 2 एज इट इज। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो ये बनेगा हमारा 2 अपॉन 1 माइनस 2 टाइम कॉस स्क्वायर ए। तो ये काफी सिंपल एग्जांपल था, तो चलो देखते हैं हमारा आज का लास्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ ये रहा, तो यहां पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूव कर रहा है टैन थीटा। तो कैसे करें, तो ये भी पूछा है सीबीएसई 2000 में। तो काफी सिंपल एग्जांपल है गाइस, देखो यहां पे अगर ऊपर से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा साइन थीटा इन ब्रैकेट ये बनना चाहिए 1 माइनस 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, नीचे में आएगा यहां पे कॉस थीटा और दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, ये आएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा, यू नो ये हमारा 2 टाइम सॉरी, तो इसको करेक्ट कर देते हम लोग, तो ये बनेगा हमारा 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो आप लोग यहां पे देख पाओगे कि यहां पे 1 मतलब क्या होता है, तो 1 हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हमारा यहां पे 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये एक पार्ट हमारा हो चुका है। सिमिलर एडजस्टमेंट हम लोग यहां पे डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, तो कॉस थीटा एज इट इज और 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा भी, और ये बनेगा हमारा 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो ये साइन थीटा जो है ब्रैकेट के बाहर एज इट इज इनटू बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया तो बनेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि ऊपर और नीचे में हमारा ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू बनेगा हमारा टैन ऑफ थीटा जो कि आरएचएस है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी वाले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।